हेलो माय डियर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स। तो क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करता हूँ कि सब भले चंगे और मस्त होंगे और दूसरों को भी मस्त रख रहे होंगे। तो आखिर हीरोज का काम क्या होता है? वैसे एपिसोड 4 लोकी का आ चुका है, मैं उस पर अभी वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि भाई आलस्य सबसे बड़ी चीज है। अब एपिसोड 5 के लिए अगले हफ्ते आना, लाइन में लगे रहना। उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि पता लग जाए कब कब आ रहा है वीडियो। तो दोस्तों, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो एमसीयू तो गया भाई, इंडिया में काम से गया, मतलब एटलीस्ट। मजाक में ले रहा था यार, आप लोग सीरियस क्यों हो गए? मेरा कहने का मतलब है कि एमसीयू के साथ साथ इंडिया में एक और इंडिया का सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो इंडियन मूवीज को काफी ज्यादा पॉपुलर करने वाला है, इंडिया में भी और विदेशों में भी। तो अब बात आती है कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या होता है। एक सिनेमैटिक यूनिवर्स माने सीयू में काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स की अपनी अपनी अलग अलग स्टोरीज होती है जो किसी एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, किसी न किसी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट तो होती ही है। और कई बार ऐसा होता है कि उन सभी कैरेक्टर्स की कहानियां दूसरे कैरेक्टर्स की कहानियों से कोइंसाइड करती है, यानी कि उस कैरेक्टर का अपीयरेंस दूसरे की मूवीज में होता है। इन शॉर्ट, एक क्रॉसओवर इवेंट। अगर आप सबको एग्जांपल के बात बताऊं तो फैंटास्टिक बीस्ट और हैरी पॉटर की मूवीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जो कि विजार्डिंग वर्ल्ड नाम के यूनिवर्स में काम करती हैं। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स तो आपने देखा ही होगा, जिसकी सूर्यवंशी कब से हमें नहीं मिल रही वो तो भाई ऊपर वाला ही जाने। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज तो आप सबको भली भांति मालूम ही है। लेकिन दोस्तों, अब इंडिया का सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ सबसे बड़ा यूनिवर्स, सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा होने वाला है जो कि है YRFSMCU, यानी कि यश राज फिल्म्स स्पाई सिनेमैटिक मूवीज यूनिवर्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग को देखने मिली थी सलमान भाई की एक था टाइगर। उसके बाद हमें कोई भी स्पाई मूवी नहीं देखने मिली, लेकिन उसके कुछ सालों बाद स्पाई यूनिवर्स में टाइगर जिंदा है, टाइगर का सीक्वल आई जिसका एक्शन काफी वॉयटेस्टिकली रियलिस्टिक था। पर उस मूवी में भी हमें क्रॉस ओवर इवेंट जैसी कोई भी हिंट देखने को नहीं मिला। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आई वॉर, ऋतिक वर्सेस टाइगर की लड़ाई इतनी ज़्यादा सुपर हिट हो गई कि उस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करवाने के लिए अब असली YRFSMCU की शुरुआत करने आ रही है बादशाह खान स्टारर एक्शन कमबैक मूवी पठान। दोस्तों, अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये एक मूवी अपने साथ साथ दो और फिल्मों की कहानी को भी सेटअप कर रही है, क्योंकि इस मूवी में सलमान खान अपने टाइगर के रोल में एक कैमियो देने वाले हैं जो कि ऑब्वियसली सीधे सीधे टाइगर 3 की कहानी से जाके जुड़ रही है, जिसकी शूटिंग अभी सीक्रेटली चल ही रही है। पहली मूवी तो हो गई जाके टाइगर 3, जिसमें सलमान खान के साथ साथ शाहरुख खान भी दिखने वाले हैं एक कैमियो के रोल में। वैसे खबरें तो वॉर के सीक्वल की भी आ रही थी, लेकिन उसमें ये नहीं पता था कि कहानी को शुरुआत कैसे करें, क्योंकि एक नए तरीके से कहानी का कंटिन्यू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। इसीलिए पठान में ऋतिक रोशन का भी कैमियो ऐड कर दिया गया, और खबर तो यहाँ तक की भी आ रही है कि उन्होंने भी इस मूवी में अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है, तो मतलब वॉर का सीक्वल भी सेट अप हो चुका है। दोस्तों, अब बात आती है कि हम सब पठान मूवी देखने क्यों जाए। अगले साल जनवरी में अब तक कई कई रिलीज डेट है, तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। खासकर SRK के फैंस तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इस मूवी में बादशाह खान का 3 साल के बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक होने वाला है, काफ़ी धमाकेदार एक्शन होने वाला है इस मूवी में। और दूसरी बात यह कि इसमें पठान वर्सेस टाइगर ऑन बुर्ज खलीफा होने वाला है, जो कि मिशन इम्पॉसिबल के बुर्ज खलीफा एक्शन सीक्वेंस से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तीसरा फैक्ट ये है कि इस मूवी का एक्शन जिन्होंने डिज़ाइन किया है, सेम उन्हीं टीम ने फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का भी एक्शन डिज़ाइन किया था, तो एक और बात आ गई। और चौथा कि भाई इस मूवी का बजट 220 करोड़ से ऊपर होने वाला है, तो एक बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है पठान, जो कि देखने लायक होने वाली है। ऑब्वियसली उसकी आई हुई सेट फोटोज, बिहाइंड द सीन या लीक से ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो भाई अपना अपना दिमाग लगा के ज़रा प्रैक्टिकली सोचो कि शाहरुख वर्सेस सलमान वर्सेस जॉन अब्राहम कम था कि ऋतिक रोशन का भी कैमियो डाल दिया, और सिंस अब वॉर 2 में प्रभास, बाहुबली प्रभास का भी रोल का इन्वॉल्वमेंट के लिए अभी बातें चल रही हैं, तो भाई ज़बरदस्त ही होने वाला है। और अगर अगले साल तक इंडिया में कोविड की कंडीशन थोड़ी सी सुधरती और सिनेमा हॉल्स खुल जाते हैं और पठान जनवरी में रिलीज हो जाती है, तो सिंगल स्क्रीन सिनेमा में फैंस का सैलाब से केवल भगवान ही बचा सकता है।
तो गाइज ये मेरा पहला वीडियो इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स पे था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी जाके लाइक दबा दो। आप लोग कंजूसी बहुत करते हो यार, जाके लाइक दबाओ और अपने सारे बॉलीवुड या फिल्मी दोस्तों को शेयर कर दो और उनसे भी कह देना कि आगे शेयर करें। और स्क्रीन पे बन के आ रहे चैनल आइकॉन से या चैनल के लोगो पे क्लिक करो और वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ जाएगा, उसको दबाओ। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी ये ब्रो बाय। और हाँ, जाते जाते फोटोशॉप आर्टिस्ट या मोबाइल फोटो एडिटिंग वाले मेरा इंस्टाग्राम जरूर देखें, मजा आ जाएगा उनको।